हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जावा में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बेसिकली हमें एक नंबर इनपुट देना है और टेस्ट करना है कि ये जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें वन और खुद के अलावा किसी का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो नंबर्स प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास थ्री है, थ्री वन और थ्री के अलावा किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, फाइव है, सेवन है, इलेवन है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। दो केवल एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है बट प्राइम है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बेसिकली ये जो हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे, ये बनाएंगे फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो गाइज, जो एग्जिस्टिंग फाइल खुली हुई है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ जावा फोल्डर आ रहा है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल। नाउ सबसे पहले इसे हम सेव कर देते हैं, प्राइम नंबर फंक्शन का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो हमने लास्ट में ऐड कर दिया है फंक्शन, एक्सटेंशन रखना है हमें डॉट जावा। नाउ सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवा लिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। क्लास हमने क्रिएट कर दी यहाँ पे प्राइम नंबर फंक्शन नाम से। इसमें हमने मेन फंक्शन बना दिया एक तो, एंड यहाँ हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया सबसे पहले KB, इसे मेमोरी दे दी सिस्टम डॉट इन। नाउ एक इंटीजर n हमने डिक्लेयर किया, यूजर को मैसेज दिया एंटर n इंटीजर। नाउ n इक्वल टू KB डॉट नेक्स्ट इंट से हमने नंबर इनपुट करवा लिया है। ठीक है गाइज, अब यहां हमने एक फंक्शन कॉल किया इज प्राइम नाम से और उसमें एन को पास कर दिया। इज प्राइम अभी बनावा नहीं है, इसे हम क्रिएट करेंगे। यहां हमने प्रिंट करवा दिया एन इज ए प्राइम नंबर और एल्स पार्ट में हमने प्रिंट करवा दिया एन इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है गाइज, अब हम बनाते हैं बेसिकली हमारा इज प्राइम फंक्शन। तो हमने यूज किया पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न करवाना है हमें बूलियन। इज प्राइम हमने फंक्शन को नाम दे दिया है, एक इंटीजर एन को या एक्स को एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया। एक्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को नाम से कन्फ्यूजन ना हो, बाकी कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। नाउ मैंने एक लूप सेटअप किया, एक आई वेरिएबल लिया, आई इक्वल टू टू से आई लेस देन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय टू। इसमें आई को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, वन से आई प्लस प्लस किया मैंने। यहां हमने टेस्ट कर लिया इफ एन रिमाइंडर आई इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स आई का भाग अगर एन में चला गया है तो लूप को मैंने यहीं पे ब्रेक कर दिया। ठीक है गाइज, अगर डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स नंबर जो है वो अपना प्राइम नहीं है। लूप के बाहर मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया और रिटर्न में मैंने ये चेक किया कि आई अगर ग्रेटर देन है एन बाई टू से। अब देखिए, आई ग्रेटर देन एन बाई टू होने का मतलब है कि आई का लूप जो है वो चलते चलते एन बाई टू को क्रॉस कर गया है, और क्रॉस कब करेगा? जब नंबर हमारा प्राइम होगा, दैट मीन्स किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? और अगर बीच में ही लूप ब्रेक हुआ है तो उसका मतलब है आई लेस देन या फिर इक्वल टू एन बाई टू होगा। डोंट वरी, अगर मेरी इस थ्योरी से आपको अभी समझ नहीं आया, अभी मैं एक एक स्टेप को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए आपको समझाऊंगा।
तो पहले सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इज इट वर्किंग परफेक्टली और नॉट, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं रन करवाना है इसे। रन करवाने के लिए राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। नाउ जो हमारा फोल्डर ओपन हुआ या एड्रेस बार में हमने टाइप करना है सीएमडी। सीएमडी ने हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, या जावा सी कमांड हमने लगाई और प्राइम नंबर फंक्शन डॉट जावा इस फाइल को हमने करा कंपाइल। ओके ग्रेट, यहां पे हमें एरर्स दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? देखिए हम फंक्शन के अंदर एन को यूज कर रहे हैं जबकि हमने जो वेरिएबल बना रखा है वो यहां पे बना रखा है एक्स, ठीक है। सो मैं यहां क्या कर देता हूं, एक्स कर देता हूं, एन तो मेन में खत्म हो गया है सिंपली, एक्स जो है उसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ओके नाउ मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से, स्क्रीन को क्लियर किया एंड फिर से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, जो एरर थी वो हमने हटा दी है। नाउ इसे हम रन करवा लेते हैं जावा कमांड का यूज करके। हमने इनपुट दिया 10, क्या 10 प्राइम है? नहीं है, तो 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। हमने इनपुट दिया 5 प्राइम है, तो 5 इज ए प्राइम नंबर। हमने इनपुट दिया 17 प्राइम है, तो 17 इज ए प्राइम नंबर। हमने 2 इनपुट दिया, 2 इज ए प्राइम नंबर। हमने इनपुट दिया 99 प्राइम नहीं है, तो 99 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो गाइज ये तो प्रोग्राम हुआ, अब हम इस लॉजिक को देख लेते हैं एक इनपुट वैल्यू के साथ में। सपोज दैट यहां पे हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये हमने नोटपैड विंडो ओपन कर ली। अब देखिए सबसे पहले प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कहां आता है, हमेशा मेन फंक्शन में। यहां पे n एक वेरिएबल बना, देन प्रिंट फंक्शन से मैसेज आएगा एंटर एन इंटीजर का, जो वैल्यू हम इनपुट देंगे वो कहां जाकर के स्टोर होगी, n में। सपोज दैट n में हमने इनपुट दे दिया है 4, इज प्राइम फंक्शन यहां से कॉल हुआ, n की वैल्यू पास हुई, तो कंट्रोल ट्रांसफर होकर के कहां आ गया, इज प्राइम फंक्शन में। एन की वैल्यू 4 थी, वो आकर के स्टोर हो गई कहां पर, एक्स में। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 4 हो गई। नाउ एक इंटीजर आई वेरिएबल क्रिएट हुआ फंक्शन में, यहां पे लूप में आया, आई बराबर 2 सेटअप हुआ, कंडीशन चेक हुई, आई छोटा या बराबर है क्या एक्स बाई 2 से, एक्स बाई 2 कितना है हमारे पास में, 2 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। लूप में आया, चेक हुआ एक्स रिमाइंडर आई बराबर है क्या 0 के, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि एक्स का मान है अपने पास 4 और आई की वैल्यू है 2, तो इफ की कंडीशन ट्रू होने से ब्रेक रन हुआ, कंट्रोल लूप के बाहर आया। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है, 2 है, एक्स बाई 2 भी कितना है, 2 है, तो क्या आई बड़ा है क्या एक्स बाई 2 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स। मेन फंक्शन में इफ के अंदर जहां पे इस प्राइम हमने कॉल किया, यहां पे रिटर्न होके आ गया फॉल्स, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा कंट्रोल, यहां पे प्रिंट कराएगा 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। लेट सी, रन करा के देखते हैं 4 के साथ एक बार। सो ये रन कराया हमने, इनपुट दिया 4, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि प्राइम हो। सो इस बार सपोज मैंने n की वैल्यू ली, जैसे ही प्रोग्राम को रन कराया, स्कैनर बना, n बना, मैसेज प्रिंट हुआ एंटर एन इंटीजर का, देन हम n में वैल्यू इनपुट दे रहे हैं। इस बार n की वैल्यू हमने ले ली है सपोज दैट 5, ठीक है। यहां से फंक्शन कॉल हुआ इज प्राइम एंड 5 पास हो गया, x के अंदर कितना आ गया हमारे पास 5, i की वैल्यू यहां पे i डिक्लेयर हो गया, देन i की वैल्यू हो गई 2। अब i की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5, 5 बाई 2 कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि दो इंटीजर का डिवीजन हमेशा इंटीजर ही होता है। नाउ इफ के अंदर आया, चेक हुआ 5 रिमाइंडर 2, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 2 है, बराबर है क्या 0 के, नहीं है, 5 रिमाइंडर 2 आता है 1, ये कंडीशन फॉल्स, ब्रेक रन नहीं हुआ, i प्लस प्लस i की वैल्यू 3। अब देखिए i की वैल्यू 3 है और x बाई 2 कितना है हमारे पास 2, तो क्या 3 2 से छोटा या 2 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म, लूप से बाहर आया। आई की वैल्यू 3 है, एक्स बाई 2 2 है, तो क्या 3 बड़ा है 2 से, ट्रू है कंडीशन, तो रिटर्न क्या हुआ ट्रू। तो मेन में जहां हमने इफ के अंदर इज प्राइम एन कॉल किया था वहां पे क्या आ गया इस बार हमारे पास ट्रू आ गया, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होएगा, ये प्रिंट करा देगा 5 इज ए प्राइम नंबर। एक बार रन करा लेते हैं इसे। नाउ हमने इसे रन कराया, इनपुट दिया 5, 5 इज ए प्राइम नंबर। सो गाइज ये था हमारे पास जावा में
प्राइम नंबर का प्रोग्राम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करता हूं गाइज प्रोग्राम आपको समझ आया होगा और आप लोग बहुत ही मजे के साथ में मेरे वीडियोस से प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके वीडियो पे अपने डाउट्स को मुझसे डिस्कस करें, मैं डेफिनेटली उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग प्रोग्रामिंग।